बहुत सारा अभियान चलाया जाता है, बहुत सारी गंदगी परोसी जाती है, अच्छे को बुरा बताया जाता है, बुरे को अच्छा बताया जाता है, राजनीतिक दल अपनी अपनी बात करते हैं। तो मैं सबसे पहली बात ये कई सवाल उठाना चाहता हूँ बुद्धों की सभा में कि राजनीतिक दल जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बने हुए हैं, क्या उनके अंदर लोकतंत्र है? क्या उनके अंदर परिवारवाद से बढ़कर के कभी आगे देखने का सपना उन्होंने संजोया है? क्या वो किसी गरीब आदमी को, व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सपना उनके अंदर है? क्या कोई चाय बेचने वाले का बेटा कभी प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या किसी आदिवासी समाज में पैदा हुई हमारी बहन देश की राष्ट्रपति बन सकती है? क्या कोई मठ मंदिर का सन्यासी जिसके पास केवल दो जोड़ी कपड़े हो वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है? ये अगर किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर संभव हो तो आज मैं उस देश से जुड़ने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, यहाँ जितने भी देश लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करते हैं सब में परिवारवाद है, सबके उत्तराधिकारिता है। जैसा कभी आज से पहले 16वीं सदी में होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जो उनके प्रेत से जन्म लेगा राजे वही उनका उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन लोकतंत्र में कभी संभव नहीं। ये लोकतंत्र के नाम पर घिनौना मजाक है, इससे ज्यादा गंदी करतूत कोई हो नहीं सकती है कि कोई भी आदमी लोकतंत्र के नाम पर अपना उत्तराधिकारी अपने परिवार से तय करे। अगर तुम्हारे को उत्तराधिकारी में क्षमता होगी तो वो जीत करके जनता का दिल जीतना मुश्किल होता था। अभी 23 जून आएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ के संस्थापक थे, हमारी पूर्ववर्ती पार्टी के, वो वहां पर तिरंगा फहराने गए थे, एक बार लौट के जीवित नहीं आ पाए थे, उनकी लाश आई थी। कांग्रेस की सरकार ने ये किया इस देश के अंदर, जो देशभक्त थे उनके साथ ये दोगलापन किया गया। उसके बाद 1968 में दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो भी कटक से सभा करके आ रहे थे राष्ट्रीय अधिवेशन, और जेल रेल में थे, उनको जहर दिया गया रेल यात्रा के दौरान, और उनकी लाश मिली उस दीनदयाल नगर पड़ता है, पहले उसका कुछ और नाम था, मुगल सराय नाम था, अब उसका दीनदयाल नगर नाम कर दिया गया भाजपा सरकार में। वहाँ उनकी सड़क रेल पटरी के किनारे डेड बॉडी पड़ी मिली। दो दो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के लिए कुर्बान हुए, इस समाज के लिए कुर्बान हुए, और आज भी भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं है कि मोदी जी का बेटा या योगी जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, या कोई भी गरीब आदमी आगे आकर के बूथ अध्यक्ष आगे बढ़कर के हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, जिला अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। केवल लोकतंत्र की पार्टी आज एकमात्र, उनको भी आयुष्मान कार्ड बांट दिए गए। इसके बाद अब जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड लोग हैं, जो मनरेगा के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, अब उनको भी सरकार आयुष्मान कार्ड देने जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, आप लोग ऐसे गरीबों का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में जरूर करा दें, आने वाले समय में उनको भी आयुष्मान कार्ड जारी होंगे। सरकार की मंशा है, भारत सरकार की 50 करोड़ कम से कम आयुष्मान कार्ड जारी करें। और आप जाने कि योजना किसी भी विकसित देश में आज तक इतनी अच्छी योजना नहीं चला पाई। अमेरिका जापान जैसे विकसित देश हैं, वहां इलाज का पैसा बीमा दिया जाता है, लेकिन 25% लाभार्थी को देना पड़ता, यहाँ 100% सरकार देती है, ऐसी योजना सरकार ने दी है। स्वास्थ्य के मामले में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार है, किसी भी विकसित राष्ट्र में भी आज हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया है। हर जगह स्वास्थ्य के PSC CSC ठीक किए जा रहे हैं, जानवरों के अस्पताल बनाए जा रहे हैं, बच्चों के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया गया है। उसके अलावा 30,000 प्राइमरी स्कूल है जिनको चयनित किया गया, आधुनिक शिक्षा कंप्यूटराइज शिक्षा से विकसित किया जाएगा। हर ब्लॉक में एक श्रमिक विद्यालय जो श्रम विभाग के द्वारा खोला जाना है, खोला जाएगा। लेकिन आज योगी जी को बैठे हुए 6 साल हुए हैं, आज 7 लाख करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश का, ये बनते हुए एक्सप्रेस वे दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की वानगी। ऐसा एक एक्सप्रेस वे नहीं है, 12 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, 12, 6 बड़े और 6 उनके लिंक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। इसमें भी अभी 2-3 लिंक और बनने हैं, कन्नौज का लिंक बनना, फुरकाबाद का लिंक बनना, ये बनेंगे तो 14-15 हो जाएंगे। ऐसे सुपर एक्सप्रेस वे बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि जो उत्तर प्रदेश के स्टेट हाईवे हैं उनको सुपर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा।
इस प्रकार 18 हवाई अड्डे, 18 मंडल है हमारे, हर मंडल पर एक एक हवाई अड्डा बनाया गया। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में बनाए गए। 6 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाई जा चुकी है। 3.5 लाख करोड़ का तो खाद्यान्न बांटा गया है इन 1.5 सालों के अंदर, 3.5 लाख करोड़ का किया केवल फ्री में खाद्यान्न में बांटा जा चुका है। पेंशन अलग से दी जा रही, आवास अलग से दी जा रहा, मात वंदना योजना अलग से दिया जा रहा है, श्रमिकों के लिए अलग से योजना दी जा रही है, अभी आयुष्मान कार्ड आपने, और वर्गों से ऊपर उठकर देश की सेवा कर रहा। वो बात करता तो ऐसे लोगों के लिए काम करने की बात करता, वो किसी जाति वर्ग की बात नहीं करता, वो सबके कल्याण की बात करता है, सदन की बात करता है दोस्तों। और आज उनकी योजनाओं के माध्यम से भारत में गरीबी दूर हुई है, भारत में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल, बीमा, तमाम सुविधाएं गरीबों को मुहैया हो चुकी है। उन योजनाओं के बारे में विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जितनी जरूरत होती लोगों को जीवन के लिए, आज देश के गरीबों को वो सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं। बिजली कनेक्शन बांटे जा चुके हैं हर गरीब परिवार को, गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, शौचालय सबको दिए जा चुके हैं, आवास की जो सूची थी वो पूरी कर दी गई। जितने सूची में सर्वे में 2011 में कांग्रेस ने और सेक सर्वे किया था वो सूची 18-19 में पूरी कर दी गई थी। फिर भाजपा सरकार में दोबारा सर्वे हुआ, 1,30,000 लोग आवास विहीन पाए गए, उनको सबको आवास 21 मार्च से पहले पहले मिल गए थे, सबका पैसा आ चुका है। इसके बाद भी अगर योजना चलती है, अगर जरूरत पड़ती है तो 1,00,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इस बार फिर जारी किया। योगी जी ने भी 9,000 करोड़ रुपया जारी किया। जो लोग आवास है, मान लीजिए किसी के बच्चे की शादी हो जाती है, अलग रहता मकान नहीं है, तो उस गरीब को मकान आगे भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सूची पूरी हो गई तो आगे आवास बंद हो जाएंगे। आवास की योजना है, जहाँ कोई भी आदमी मेहनत करता है वो आगे बढ़ सकता है। आज हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कभी उनके पिताजी भी चाय बेचते थे, आज वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, आज डिप्टी सीएम है, और एक दिन वो भी सीएम बनेंगे, पीएम तक जाएंगे, ऐसे ऐसे नेता हैं। दूसरी पार्टी में राहुल गांधी के अलावा कौन भारतीय कांग्रेस का नेता हो सकता है? समाजवादी पार्टी में कौन नेता दूसरा हो सकता है? जनता दल यूनाइटेड की आज बात कर रही है, नीतीश कुमार तमाम मारे मारे घूम रहे पूरे देश में प्रधानमंत्री का समर्थन मांगने के लिए, और अपने बिहार में जो सुशासन बाबू बोले जाते थे आज फिर वहाँ जंगल राज कायम करा लिए। वहाँ नकली दारू बिक रही है, हत्याएं हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। जब से भाजपा का साथ छोड़ा है वहाँ जंगल राज तैयार हो गया, और उसके दम से वो चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? केजरीवाल अपने को तैयार है, वो कहते हैं हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ममता बनर्जी अपने आप को तैयार करे बैठी है कि प्रधानमंत्री बनूंगी तो केवल मैं ही बनूंगी। शरद पवार कमर में पैर लटकाए बैठे हैं, लेकिन वो भी कहते हैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं भी बनूंगा। कहां कहां से नेता तैयार करके आते हैं दोस्तों। एक तरफ ऐसा नेतृत्व विद्यालय खोले गया, आपकी विधानसभा में संजना में उसमें से खोला गया है, ऐसे प्रधानमंत्री पीएमसी विद्यालय चयनित किया जा रहे हैं, हर ब्लॉक में 2 विद्यालय चयनित किया जा रहा है, 1.5 लाख की लागत से उनको अपग्रेड करके इंटर कॉलेज तक बनाया जाएगा। उसमें आपके सतौथा का विद्यालय भी चयनित किया, मैंने उसे गोद लिया था, एक विधायक को 2 विद्यालय साल में गोद लेने पड़ते, उनका अपग्रेड करके विधायक से देना पड़ता है, तो जब तक मैंने गोद लिया वो रजनीश जी ने और हमारी बहन अंजना इन्होंने प्रयास किया, अब वो पीएमसी योजना के अंतर्गत इनका विद्यालय चयनित किया कर लिया गया, जो 1.5 लाख की लागत से इनका विद्यालय बनने जा रहा है। 1.5 करोड़ की लागत से बनेगा। ऐसे बहुत सारे काम सरकार कर रही, किसानों के लिए हर गांव में गौशाला बनाई गई, 10.5 लाख से अधिक गाय गौशाला में बंद हो चुकी है। ऐसे हर खेल का मैदान हर ब्लॉक में हर साल एक मनरेगा से बनाया जा रहा है, सरकार ने शुरू कर दी है। मनरेगा से छोटे छोटे खेल के मैदान हर गांव में बना दिए गए, ऐसे किसानों के लिए मनरेगा को खोला गया है, कृषि कार्यों के लिए बहुत सारे योजनाएं उसमें चयनित की गई हैं। इस प्रकार बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, उनका बताने का वक्त नहीं है, समय कम है। अभी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सांसद जी को बोलना, अध्यक्ष जी को बोलना, इन सब योजनाओं के बारे में आप सब जानते हैं। एक तरफ आप तुलना कर लीजिए, पिछले 60 सालों में जो सरकारें रही हो,
और मोदी जी की 9 सालों की सरकारों की, कितना काम, कितना विकास गरीबों तक पहुंचा है और बिना किसी भेदभाव के पहुंचा है, बिना किसी जाति पाति धर्म के पहुंचा है, सबको उसका लाभ मिला और आज इसका परिणाम है दोस्तों। गुजरात में अभी 152 सीटें, 202 सीटें हैं, 152 सीटें भाजपा ने जीती है, उसमें 41 सीटें जीती हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें जीती हैं। अभी नगर पालिका के चुनाव यूपी में हुए, पिछली बार जितनी भाजपा ने सीटें जीती थी उससे 2.5 गुनी ज्यादा अधिक सीटें जीती हैं। 17 के 17 भी नगर निगम भाजपा ने जीते, कहीं कोई लड़ाई भी नहीं आ पाई, जमानतें जब्त हो गई। ऐसा बहुमत आपने दिया, ऐसा समर्थन आपने दिया। 5 हमारे मुस्लिम चेयरमैन जीते हैं, 750 के आसपास हमारे मुस्लिम जो सदस्य हैं और सभासद हैं, पार्षद हैं नगर निगम में, वो लगभग मुस्लिम समाज से जीते हैं। तो हर वर्ग हर समाज का समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अभी आप कश्मीर में 1 साल पहले चुनाव हुए थे नगर पालिका, नगर पंचायतों के, जिला पंचायतों के, वहाँ जो बहुत कट्टर जिले हैं जहाँ आतंकवाद बहुत ज्यादा फैला है, आज 3 ही जिलों में वहाँ आतंकवाद रह गया, किश्तवाड़, शोपिया और बारामूला, बाकी आतंकवाद खत्म हो चुका कश्मीर से। वहाँ भी 4 में 3 चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के जीते, 17 में पता लगा 9 और 10 जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी जीते, उन सब जिलों में भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बन के बैठ गया। नगर पालिका में भाजपा का चेयरमैन, वहाँ मुस्लिम के अलावा दूसरी जाति नहीं है, 98% 99% घाटी के जिलों में मुस्लिम रहते हैं, लेकिन उनका समर्थन मिला है। वहाँ के नौजवान आज भाजपा के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमको तो आतंकवाद में भी दूर नहीं की गई, हम तक सरकारी योजनाओं का पैसा कभी नहीं पहुँचा, आज कश्मीर विकास के रास्ते पर है। पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ के लोग चिल्ला रहे हैं कि हमको भारत में मिला दो, हमको भारत में मिला दो, वहाँ आटा नहीं मिल रहा है, वहाँ पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, वहाँ जरूरी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ कश्मीर है, वहाँ के कश्मीरी आज भारत में विलय करने की बात करते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रुतबा। कश्मीर में मैंने बताया था तिरंगा नहीं कभी फहरा पाई भारतीय जनता पार्टी या यहाँ की सरकारें, लेकिन वही तिरंगा आज वो ताकत है आपके वोट के बदौलत। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा होता है, एक तरीके से मिनी विश्व युद्ध है, हमारे नौजवान छात्र वहाँ एजुकेशन करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते कहते कैसे भी हमारे बच्चों को निकालिए, तो रूस वाले कहते कैसे निकाले, यूक्रेन वाले कहते कैसे निकाले, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा आपके बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के निकल जाएं और हम युद्ध रोक देंगे, हम उन पर बम नहीं गिराएंगे। 25,000 बच्चे हमारे वहाँ फंसे थे, झंडा नहीं था, बच्चों ने वहाँ से पेंट खरीदा और कपड़े का तिरंगा बनाया, अपनी बसों में लगाया, अपने हाथों में लेकर के निकले और जिन जिन देशों के सीमा पर वो पहुंचे वहां पर उनका स्वागत ऐसे हुआ जैसे हमारा प्रधानमंत्री या मंत्री जाता, ऐसे हमारे बच्चों का पोलैंड, हंगरी और बेलारूस की सीमा पर स्वागत किया गया। और वहां हमारे भारत सरकार के मंत्री भेजे गए थे जो हवाई जहाज ले लेकर सारे बच्चों को भारत में लेकर के आए। ऐसा समर्थन, ऐसी सरकार, ऐसी क्षमतावान देश, ऐसा ताकतवर देश, क्या कभी भारत की ताकत का अंदाज था? पाकिस्तान की घुड़की में हम लोग डर जाते थे, चाइना के दबाव में हम लोग कश्मीर में सड़कें नहीं बना पाते थे, पुल नहीं बना पाते थे, आज हमने वहाँ हवाई अड्डे बनाए हैं, हेलीपैड बनाए हैं, आज हमारे बम बरसक विमान, हमने वहाँ पर डिपो बनाए हैं आयुध के, हमने यहाँ पुल पुलिया और बच्ची डामर पक्की चौड़ी सड़कें बना दी है जहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे में हमारा रसद पहुँच सकता है। पहाड़ की चोटियों पर हमारी बंकर बने हुए हैं जहाँ से हम चाहें तो चाइना के आधा शहर को हम निशाना बना सकते हैं मिसाइलें गिरा कर। ऐसी ताकत आज भारत ने अर्जित कर ली। ये कभी करगिल कब्जा कर लिया था हमारा अटल जी के शासन में, आज वहाँ हमारे सैनिक तैनात हैं, उनसे ऊपर की चोटियों पर तैनात है, वहाँ पर बंकर बने हुए हैं और सुरक्षित हमारे सैनिक रहते, किसी की मजाल नहीं है जो उनकी तरफ आँख उठा के देख ले। कभी वहाँ तक सैनिकों का पहुँचना मुश्किल था, इतनी बमबारी होती थी, इतना बमबार्ड होता था, गोला बारूद इतना चलता था। ये ताकत है आपकी सरकार की, ये ताकत है आपके समर्थन की। एक तरफ गरीबों का कल्याण हो रहा है,
तो दूसरी तरफ देश का विकास उसी तेजी गति से हो रहा है। देश की सेनाएं सशक्त हो रही हैं, देश का सम्मान सुरक्षित रखा जा रहा है, भारत के नौजवानों को दुनिया में नौकरी के अवसर दिए जा रहे हैं, दुनिया में बुला करके वीजा दिया जा रहा है। ये सब भारत आपकी ताकत के कारण हुआ, आपके समर्थन के कारण हुआ है और आपके वोट की ताकत के कारण हुआ है। हमारे बीच में हमारे प्रमुख लोग बैठे हैं, पार्टी पदाधिकारी बैठे, प्रधानमंत्री बैठे, लगातार आप सबकी सेवा में रहते हैं, समाज की सेवा में रहते हैं। हमारे सांसद जी जो कि शायद मैंने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में यदि 80-80 सांसद को मिलाया जाए तो इनसे सीधा, इनसे सरल, इनसे विनम्र सांसद को मिलेगा नहीं। इतना योग्य है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन विनम्रता, सज्जनता, शालीनता उनके अंदर समाई हुई है। हर आदमी को सम्मान देते हैं, सबके लिए काम करते हैं और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि इनको ही टिकट दी जाए। बहुत सारे लोग टिकट मांगने आए हैं, तो पहले तो इनके लिए टिकट की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जब टिकट हो जाएगी तो जिताने की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। समाजपुर विधानसभा से हम लोगों को रिकॉर्ड बनाना है, आप लोगों की ताकत के बदौलत हम सब लोग जीत करके जाएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जी उसमें रहेंगे, हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी उसमें रहेंगे, हमारे सांसद जयप्रकाश जी रहेंगे, जिला अध्यक्ष जी और पार्टी के पदाधिकारी उसमें रहेंगे, इस लोकसभा के सभी विधायक भी उस मंच पर रहेंगे। तो आप सब लोग सभापुर पहुंचने की कृपा करिए, अनुरोध भी आपसे करता हूं, भरी संख्या में आप लोग वहां पहुंचे, क्योंकि धूप हो जाती है 12 बजे के बाद, टेंट में बैठना मुश्किल हो जाता है, तो ये कार्यक्रम पार्टी 12 बजे तक खत्म कर देती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 8 बजे लखनऊ से चलेंगे और 10:15 तक यहाँ कार्यक्रम पर पहुंच जाएंगे। तो आप लोग 9:30 तक हर हालत में कार्यक्रम में पहुंचे, यह अनुरोध आपसे करता हूं। उसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं, अभी कल जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो हो चुकी है, विधानसभा स्तर पर कल यहाँ सभापुर में रखी गई है, उसके बाद में योग दिवस है 21 तारीख को, हर शक्ति केंद्र पर शक्ति केंद्र 5 से 10 बूथ का भाजपा करती रहती है। अभी 1 जून से हमारा संपर्क अभियान शुरू हुआ था, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह था, उसके बाद अभी हरपालपुर में हमारे प्रधान जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर मोर्चा सम्मेलन का करा था, और उसमें करीब 15-20 हमारे नए प्रधान जो हमारे साथ रहे थे वो सब शामिल हुए थे, BDC के तमाम लोग शामिल हुए थे, प्रमुख जी के अध्यक्षता में, सांसद जी के अध्यक्षता में पार्टी के मोर्चा और सम्मेलन का वो कार्यक्रम हुआ था। वहीं पर से ताकत लगने लगी, कहाँ भाजपा हरपालपुर में मजबूत होती चली जा रही है, और आज ये जन समर्थन जो प्रबुद्ध वर्ग के आने से ही महसूस हो गया है कि जहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग खड़ा होता है निश्चित रूप से बुद्धिजीवियों के पीछे ही यह समाज चलता है। आज सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है समाज आपके कहने से चलता है, समाज आपके पीछे चलता है। ये देश जात पात में कभी नहीं विश्वास करता था, ये देश कभी धर्म अधर्म की बात नहीं करता था, ये देश अच्छाई बुराई के साथ खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अच्छाई के लिए काम कर रही है, देश के भले के लिए काम कर रही है, समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी 16 तारीख को हमारे यहाँ सवाजपुर में जनसभा, जो पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनसभा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें रहेंगे, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी उसमें रहेंगे।